नमस्कार, मैं हूँ अनुराग। बस स्टैंड के साथ में लगती तो शाम चुंगी गए, ये हाईवे 9 भी गए जहाँ हम खड़े गए। यहाँ पे कांग्रेस के नेता और कोरोना वॉरियर समाज सेवी जो है वो तेलुराम जांगड़ा, जो आज गाड़ियों को आती जाती हाईवे 9 पर उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मतलब जो तेलुराम जी है वो जो गाड़ियाँ जा रही है, एक मतलब अच्छा प्रयास है तेलुराम जी का, एक अच्छी सोच है कि उन गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जाए। ना जाने कहां कहां से ये गाड़ियां आ रही गए, कुछ पता नहीं गए, और ऐसे में एक अच्छी सोच के साथ तेलुराम जांगड़ा आज ये काम कर रहे हैं। तेलुराम जांगड़ा जी के बात चलते गए, इन्हीं से जानेंगे ये जो काम है ये किस प्रकार से चल रहा है। ये आ जा रही गए, उनको तेलुराम जी मतलब सैनिटाइज कर रहे गए। इसके साथ ही जो दुकानें गए मार्केट में उनको भी ये सैनिटाइज कर रहे गए। आज ये पुलिस स्टेशन भी जाएंगे जैसा ये बता रहे थे। तेलुराम जी, क्या सोच के आज आप कर रहे हैं? तो हम ये सोच रहे थे कि जो ये बाहर की गाड़ियाँ आती हैं इसमें कुछ यात्री भी आते हैं जो बाहर से हैं, क्या पता उन गाड़ियों के साथ ही हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी या वायरस यहाँ तक ना आ जाए। इसलिए हम अपने हाँसी शहर को स्वच्छ, क्लीन और इस बीमारी कोरोना महामारी से मुक्त करने के लिए हमने ये बेड़ा उठाया है। कल शाम को हमने हिसार चुंगी पे आने जाने वाली गाड़ियाँ और पुलिस के नाके हमने सैनिटाइज किए थे, और आज हम कुछ शाम चुंगी काली देवी से फिर हम ट्रैफिक थाना वो करके जहाँ से जो आने जाने वाली सारी गाड़ियों को आज शाम तक ऐसे ही हम सैनिटाइज करेंगे। तो खाने की सेवाएँ थी, पानी की सेवाएँ थी, वो आज की पूरी हो गई है? आज की हम पानी की सेवा पूरी कर चुके हैं, और हमें बना बनाया खाना था वो आज से हमने कबूल कर दिया। अब हम सूखा खाना आज से 4-5 दिन तक सूखा खाना। तो और कहाँ कहाँ जाएंगे आज इसके अलावा? पुलिस स्टेशन वगैरह जैसे कह रहे हैं, पुलिस स्टेशन के अलावा एक जो ट्रैफिक थाना वो करेंगे जी, फिर सदर और सिक्की थाना करेंगे, ये करेंगे। हाँ, उसके बाद देखेंगे बाजार में, ये लंबा बाजार, बरसी गेट, पुराना बस स्टैंड और अम्बेडकर चौक। सारा दिन बिजी रहते हैं तेलुराम जी? हाँ बिल्कुल, पूरा दिन मैं बिजी रहता हूँ, शाम तक वही है घर पे, लेकिन सेवा ना कर पाए तो फिर फायदा भी क्या है? फायदा क्या, मतलब काफी आनंद में मतलब खुद को महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। हमारे जो लोग हैं मुझे बड़ा सहयोग भी कर रहे हैं, और सारे लोग अच्छा जो ये काम है सारे लोग मिलजुल के, मेरे कई साथी हैं, मोनू गोयल है, मनोज जांगड़ा है, कमलेश रंगा जी हैं, वो है। आज हम 200 मास्क भी लाए थे, क्योंकि हम मास्क हमने बांटे हैं अभी हमारे पास है और यहाँ भी बांटे हैं। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो तेलुराम जांगड़ा कर रहा है, ऐसा क्यों? ऐसे हमारे जो आदरणीय जगदीश शर्मा जी, राहुल प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष, उन्होंने हमारी पर्सनली तौर पर फ़ोन करके ये ड्यूटी लगाई कि आप लोगों ने सेवा करनी है, भेदभाव भूल के हमने सेवा करनी है, कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं। और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी बहन हमारी शैलजा जी जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, और हमारे भाई अजीज जो राज्यसभा के सांसद है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन सब ने मेरे को सब मेरे से बात भी करते हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट करने में अच्छा काम है करते हैं। तो तेलुराम जी ने कहा कि कोरोना का वक्त है, इस दौरान कोई राजनीति नहीं गए है, पक्ष करे या विपक्ष, काम मतलब शहर सैनिटाइज होना चाहिए, बीमारी मुक्त होना चाहिए। कुछ जानते गए आम आदमी पार्टी के सचिन जी, इनसे भी जानेंगे सर ये जो काम कर रहे हैं मतलब कितना सही है? देखिए, इस दौर में चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, इनेलो है, जिसका ये कोई राजनीति का विषय तो है नहीं, क्योंकि महामारी का समय है, आज हम स्वस्थ हैं कल ना हो, तो इसमें जो भी अपना सहयोग कर रहा है ये तो एक देशभक्ति दिखाने का मौका, जो छदम देशभक्ति है उससे ऊपर उठने का मौका है। तो तेलुराम जी करें या विधायक जी करें या आप करें हम करें, तो ये अच्छी चीज़ है, सभी को करनी चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, सभी को करनी चाहिए, जैसा तेलुराम जी आज सैनिटाइज कर रहे हैं, सभी को आना चाहिए, डे बाई डे अपनी ड्यूटी लेनी चाहिए और इस तरह से सैनिटाइज करना चाहिए। एंटी नेशनल से अनुराग सिंह।